नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। नए तरीके से आइडिया बता रही हूँ आपको, जिससे बनेगी खीर सिर्फ 5 मिनट में। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप साबूदाने, लगभग एक जो चाय का कप होता है उतने साबूदाने लिए हैं, और इसको हम भिगा कर रख देंगे पानी में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। लगभग 3 से 4 घंटे बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साबूदाने जो हैं वो बिल्कुल फूल चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे पानी से बाहर। साबूदाने हमने पानी से बाहर छलनी में निकाल लिए हैं। बस अभी इन साबूदानों को हमें डाल देना है एक कढ़ाई में। कढ़ाई में साबूदाने जो हैं वो डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 500 ग्राम जितना दूध, और इसको हम रख देंगे गैस पर उबलने के लिए। सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद ही, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी खीर जो है उबलने लग चुकी है। इस वक्त हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार चीनी, और फिर से आने देंगे एक उबाल। जैसे ही चीनी जो है वो भी पक गई है, उबलने लगी है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल मोतियों जैसे चमकदार ट्रांसपेरेंट दाने साबूदाने के हो चुके हैं। मतलब हमारी खीर जो है पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 कुटी हुई इलायची का पाउडर। साथ ही मैं डाल रही हूं मैं यहाँ पर होममेड मल्टी कलर टूटी फ्रूटी और कुछ कूटे हुए बादाम का पाउडर। आप इसमें अपने पास जो भी हो वो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको उबलने दीजिए। 1 आध मिनट खीर उबल देने के बाद अब हमारी खीर जो है बिल्कुल पूरी तरह से पक चुकी है। जैसा हमको चाहिए वैसा ही परफेक्ट इसका टेक्सचर है। गैस को कर देंगे बंद और इसको परोसेंगे हम एक बर्तन में। साबूदाने की खीर बनकर हमारी रेडी है दोस्तों। मैंने आपके सामने परोसी है गार्निश करके मखाने, टूटी फ्रूटी और बादाम के साथ। मेरे तरीके से बनाएंगे, सिर्फ 5 मिनट में ही स्वादिष्ट खीर बनके तैयार हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।